ये उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने 5 ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो शहर को अंधेरे में झोंकने के लिए बिजली विभाग के लगभग 30 लाख के उपकरण उड़ाकर ले गए। पुलिस ने आरोपी चोरों के पास से बिजली के तार, चोरी में इस्तेमाल किए गए 4-पहिया वाहन और 3 बाइक भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए चोरों का पुराना आपराधिक इतिहास भी मिला है। पुलिस ने इन 5 शातिर चोरों को ग्रेटर नोएडा इकोटेक वन से गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि बीते दिनों बिजली सब स्टेशन के लगभग 30 लाख रुपए की बिजली के तार और दूसरे उपकरणों को इन चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसकी पुलिस बड़ी ही सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी। तो वही पुलिस को एक टीप मिली कि कुछ चोर चोरी का सामान बेचने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जगह जगह पुलिस ने घेराबंदी भी की और इसके बाद इन शातिर 5 चोरों को दबोच लिया। NPCL ने एक लिखित सूचना दी थी कि 7/8 की रात्रि को कुछ इलेक्ट्रिक वायर, जो हैवी केबल वायर्स होते हैं, लगभग 2.5-3 किलोमीटर की जो रूट पे वो बिछाते हैं, वो कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं और इसमें काफ़ी उनको वित्तीय क्षति भी पहुंची थी। साथ में जो बिजली का जो काम था उसमें भी कुछ रुकावट आई थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो इकोटेक पुलिस और ACP तृतीय की जो टीम है, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग को पंजीकृत किया।